अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो संसद में नागरिकता कानून बनने के बाद जो कांग्रेस विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपके सामने कुछ शब्द हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2019 का सवाल नहीं है कि नागरिकता कानून आया, सवाल उठता है क्या भारत का विभाजन धर्म के आधार पर जिन लोगों ने की, उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, एक तरह से उनके ऊपर अत्याचार होते रहा। और मैं आज कहूं कांग्रेस के दोगले नीतियों के कारण, दोगले व्यवहार के कारण आज देश को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं? गांधी तो चुरा लिया, लेकिन गांधी ने प्रार्थना सभा में 1947 में 12 जुलाई को कहा था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से भगाया गया उन्हें पता होना चाहिए कि वे पूरे भारत के नागरिक थे, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे भारत की सेवा करने और उसकी महिमा से जुड़ने के लिए पैदा हुए थे। और उन्होंने कहा कि उन्हें आते हैं तो उनको वही व्यवहार, वही सम्मान, केवल वही नहीं कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1950 में पट्टाभी सीतारमैया ने कहा यही बात, जेबी कृपलानी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकारा, अब्दुल कलाम आजाद जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी सदन के अंदर स्वीकारा। जब पाकिस्तान से आने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो जो पैक्ट हुआ पंडित नेहरू और लियाकत अली के बीच, उसके कारण इस्तीफा भी दिया। देश के अंदर में ये टुकड़े टुकड़े गए, और राहुल गांधी जैसा झूठ की खेती करने वाला, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने एनपीआर पर कहा कि प्रधानमंत्री झूठ है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से, और उन्होंने आरएसएस का प्रधानमंत्री कहा, आरएसएस का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री, और डंके की चोट पे कहता हूं आरएसएस का मैं हूं। 1977 में माननीय वाजपेयी जी अब नहीं रहे, हम दोहरी सदस्यता पर सरकार को तिलांजलि दे दिया, आरएसएस का होने का गर्व है। लेकिन राहुल गांधी, आप जो झूठ बोल रहे हैं डिटेंशन पर, या तो आपको ज्ञान नहीं है, राफेल में तो आप माफी मांग चुके हैं कोर्ट से सामने, इसमें भी आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश के सामने। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि बदरुद्दीन अजमल का क्वेश्चन है 11-12, मेरे पास उसके सबूत हैं, और कांग्रेस की सरकार ने जवाब दी है कि 3 स्थानों पर डिटेंशन सेंटर है, 300 से ऊपर लोग उसमें रखे गए, फिर भी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मैं केवल आपके माध्यम से झारखंड की जनता और देश की जनता को कह रहा हूं, इनका मुंहतोड़ जवाब दो। क्यों है कि एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में ये सारी चीजें लाई जा रही है या ये कदम उठाए जा रहे हैं? गवर्नमेंट में कहीं कंफ्यूजन नहीं, गवर्नमेंट का कंसेप्शन क्लियर है,
कि 70 साल से जिन हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन जिनको प्रताड़ित किया गया है, वहां से अनुसूचित समाज के लोग जो आज तक नर्क की जीवन जी रहे हैं, मैंने दिल्ली में एक हिंदुओं की बस्तियों को गोद लिया हूं, मैं उनकी पीड़ा को जानता। जब वो कहते हैं कि हमें नहीं जाऊंगा चाहे मुझे जेल जाना पड़े, इसी 6 महीना पहले, क्योंकि हमारी बेटी वहां सुरक्षित नहीं है। मैं डेटा नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का डेटा है कि प्रतिवर्ष 1000 बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा। और ये सच नहीं है कि धर्म के आधार पे हुआ तो आज हुआ हिंदू less than 1% प्रैक्टिकली बच गए हैं। क्या हिंदू की बहु बेटी जैन सिख की बहु बेटी बांस थी? नहीं। पुरुष नपुंसक थे? नहीं। इन्होंने बाप जबरदस्ती, कानून नाम का कोई चीज नहीं रहा, लियाकत अली पैक्ट को इन्होंने ताखे पर रख दिया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया। अभी तो आपने क्रिकेटर का सुना ही होगा, दानिश ने जो सब किया। लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान में केवल 40 मंदिर बचे, यही था लियाकत अली पैक्ट। और भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि उनको हम यहां सम्मान दें, उनको नागरिकता दें? मैं तो कहता हूं नागरिकता भी मिलेगी, अब मेरा कमिटमेंट है, और उन्हें अब घर भी मिलनी चाहिए। अगर तकलीफ है, आज जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी का चेहरा, विपक्ष का चेहरा और ओवैसी का चेहरा, ओवैसी को तो मैं कहना चाहता हूं, ये लोग वही लोग हैं जो बरसों से 70 साल से जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, 35A का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, आज वही चेहरे ओवैसी कह रहे हैं कानून की बात। मुझे आश्चर्य होता है जब संसद के अंदर वो बिल को फाड़ देते, जब संसद के अंदर भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करते, जब उनका भाई हैदराबाद में कहता कि 15 मिनट अगर पुलिस हट जाए तो भारत के हिंदुओं को मैं बता दूं। ऐसे लोग सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, ये सामाजिक समरसता नहीं है। ये कह रहे हैं कि मोदी डरा रहे हैं, मैं कह रहा हूं मोदी डरा नहीं रहे हैं, देश को ये लोग डरा रहे हैं। और ये मैं समझता हूं आज देश ने जवाब देने का काम किया है। देश ने पूरे देश में सीए के पक्ष में पूरे तौर से लोग पक्ष में खड़े हुए हैं, गांव से लेकर शहरों तक। और मैं आगाह करना चाहता हूं विपक्ष को, अगर नैतिकता है तो राहुल गांधी झूठ की खेती बंद करें, ओवैसी देश में भड़काने का काम कर रहे हैं, कोई सामान्य नागरिक, कोई जिम्मेदार नागरिक वो कदम नहीं रख सकता जो काम ओवैसी कर रहे हैं, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काम टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से झारखंड वासियों को कहना चाहता हूं और झारखंड के मुसलमानों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने अंदर झांक करके देखें कि मोदी ने कौन सा डिफरेंस किया। उसने कहा सबका साथ सबका विकास, क्या उसने थोड़ा सा भी अंतर किया कि आयुष्मान भारत हिंदुओं को मिलेगा मुसलमान को नहीं? क्या मोदी के राज्य में उज्ज्वला गैस का यह हुआ कि